आइलैंड की खोज में निकल पड़े हैं लैप्रस के साथ। कुची कुची कु, कुची कुची कु, पीकाबू, वू। ये अच्छी बात है। क्या हुआ? तुम कहना चाहते हो कि टोगोपी में कुछ गड़बड़ है? नहीं, वैसे ये गलत तो नहीं है, पर क्या तुम्हें लगता है मिस्टी कि टोगोपी ने अब तक एक भी हमला करना सीखा होगा? मैं समझ रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैंने टोगोपी को यह सिखाने की कोशिश नहीं की। ठीक है टोगोपी, अपना सिर इस तरह मारो। चलो अब कोशिश करो, अब तुम्हारी बारी। ओ नहीं, तुम गलत कर रही हो टोगोपी, देखो ऐसे करो। मैंने पूरी कोशिश की, पर मेरे टोगोपी जैसा कोई पोकेमोन नहीं है, ये सबसे अच्छी है। अगर टोगोपी के पास अच्छा ट्रेनर होता तो कुछ नहीं। पिकाचू, मिस्टी, हम ठीक हैं, क्या तुम ठीक हो? हम कहाँ हैं? क्या ये सच है? बड़ी चोटियाँ, बड़ा सा बवंडर, समझ गया, हम हैं पिंकन आइलैंड में। कहाँ पर? पिंकन आइलैंड, ये एक रहस्यमय जगह है जहाँ बड़े बड़े बवंडर पाए जाते हैं, और उस बड़े चट्टान की वजह से कोई उसे खोज नहीं पाया, इसलिए किसी को नहीं पता यहाँ किस तरह के पोकेमोन रहते हैं। मैं पहला पोकेमोन वॉचर हूँ जो अलग अलग तरह के पोकेमोन का पता लगा पाऊंगा। चलो जल्दी चले। रुको तो, कहाँ चले? चट्टान के ऊपर, मुझे पोकेमोन को देखना है। रुक जाओ, लैप्रस वापस आओ। फेसी जरा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। क्या हम ट्रेसी? जरा वो तो देखो, वो एक पिंक रायहॉर्न है। जहाँ तक मैंने सुना है रायहॉर्न पिंक नहीं होते, तुम्हें क्या लगता है? रायहॉर्न एक कांटेदार पोकेमोन है, और वो अपने महत्वपूर्ण और बचने वाले हमले के हुनर के लिए जाना जाता है। पर पोकेडेक्स में जो है वो पिंक नहीं है। वाह, इसके बारे में पोकेडेक्स में भी नहीं लिखा है, मुझे उसे करीब से देखना है। ट्रेसी, एश चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। हवा उस तरफ है। बस वैसे ही रहना रायहॉर्न, और मैं अवार्ड विनिंग स्केच बनाऊंगा। वो 8 मीटर लंबा है और 1 मीटर ऊंचा, और उसके सींग 20 सेंटीमीटर लंबे हैं। मुझे नहीं लगता उसे इतने नजदीक जाना चाहिए। पोकेमोन वॉचर है एश, उसे तुमसे ज्यादा जानकारी है। मुझे भी तुमसे बहुत कुछ ज्यादा पता है, बस देखती जाओ। एश रुको। कैसे हो रायहॉर्न? क्या हाल है दोस्त? भागना मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। देखा दोस्तों, मुझे बता दे क्या कर रहा हूँ। एश वहाँ से निकल जाओ, वो तुम पर हमला कर देगा। शायद किसी पोकेमोन ने हमें यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया। ये मुमकिन नहीं है, पिकाचू ये नहीं कर सकता। पिका, ये टोगोपी ने नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, मुझे बस ये जानना है कि तुम रायहॉर्न के इतने करीब कैसे गए, और वो भी उसे बिना पता चले। मैंने पोकेमोन को ऑब्जर्व करने के बस 2 नियम याद रखे। रायहॉर्न के पास जाने के बाद मैंने उसकी सांसों को मेरी सांसों से मैच किया। सांसे? एक पोकेमोन वॉचर बनने के लिए उसे सांस भी पोकेमोन वॉचर जैसी लेनी पड़ती है। क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? वैसे वो रायहॉर्न कहाँ गायब हो गया? ये तो बुरा हुआ, हमें उसे बचाना होगा।
थे और उसने हमें यहाँ लाकर छोड़ दिया। ऑफिसर, तुम्हें जल्दी करनी होगी वरना वो देख रहा है वहाँ से गिर जाएगा। आपको कहा है? लेकिन वो वहाँ गया कैसे? वो गिर गया, मैंने उसे गुस्सा दिलाया और वो मेरे पीछे आया। बाकी बातें बाद में बताना, अभी हमें इस रायहान को बचाना है वरना वो नीचे गिर जाएगा और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। ठीक है, अगर उसे पोकेबॉल से पकड़े तो आसान रहेगा ना। वो तुम तब कर सकते हो जब एक पोकेमॉन कमजोर हो, पर रायहान कमजोर नहीं है।